तो दोस्तों चलिए आज बनाते हैं नाश्ते की इतनी नरम मुलायम रेसिपी जिसके आगे आपको ऑमलेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं। जो भी खाएगा वो यही कहेगा कि बिल्कुल ऑमलेट वाला फ्लेवर है और इतना चीज़ी, सबको पसंद भी बहुत आने वाला है। ख़ास तौर पर बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप मैदा की लिया है, आधा कप लिया है बेसन, एक चम्मच के लगभग हम इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। इतनी आसान नाश्ते की रेसिपी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे और सबको फटाफट से आप नाश्ता दे भी पाएंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें पानी मिलाएंगे। जितना बेसन और मैदा मिला के मैंने 1.5 कप लिया है तो मुझे 2.5 कप के लगभग पानी डालना है और इसका एक पतला घोल मिलाना है, बनाकर तैयार करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये घोल जो है हमें धीरे धीरे बनाना है। एक साथ अगर सारा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और बाद में उसमें बड़ी परेशानी होगी, तो इसलिए धीरे धीरे घोल बनाएंगे और बहुत अच्छा हमारा जो है घोल बनकर तैयार हुआ। ये देखिए, अब मैंने इसमें अभी 1 ही कटोरी पानी डाला है। अभी मैं इसमें 1 कटोरी के लगभग पानी और डालूंगी, अभी ये काफ़ी गाढ़ा है। अब धीरे धीरे करके हम 1 कटोरी पानी और डाल देंगे और बाद में मैंने 1/2 कटोरी पानी और डाला था। आप अपने हिसाब से पानी को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इसकी पानी जैसी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। देखिए 2 मिनट के बाद ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि बेसन और मैदा दोनों फूल गए हैं। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बेसन जो है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, ऐसा ना हो। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल की जगह पिघला हुआ बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल काफ़ी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारा बहुत अच्छा बैटर तैयार है। तो चलिए नाश्ता बनाने की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो तो अच्छी लगी होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब फ्राइंग पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर या ऑयल, जो आपकी मर्जी हो उसके हिसाब से बनाइए। अब 1 से 2 लैडल फुल हम इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम लो रखना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसमें 2 करछी के लगभग बैटर डाल दिया है और सारा जो है पैन उसके ऊपर अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके रख लीजिएगा और थोड़ा सा हरी मिर्चें, तो इससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल बाजार का बना हुआ टेस्टी सॉफ्ट फ्लफी आमलेट खा रहे हैं। ये देखिए, मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल दी। अभी तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च कतर के डाल दी है, थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। अब मेरे पास बाजार के जो पिज्ज़ा वाले पाउच आते हैं उसके मिक्स हम बिचे थे, तो मैंने क्या किया, सब उसी पाउच में से निकाल के वो डाल दिया। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह नमक और चाट मसाला डाल सकते हैं या ओरिगैनो डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। बस धीरे धीरे ये एक तरफ से सिकने भी लगा है इतनी देर में, तो हम इसे चेक करेंगे ये सिक रहा है या नहीं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक भी डाल दिया है, मुझे लग रहा था नमक कम ना लगे। ये देखिए, अब साइडों से ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है और ये अच्छे से ड्राई हो गया है, इसका मतलब ये नीचे से सिक भी गया है। अब धीरे धीरे पलटे की हेल्प से हम इसको आराम से पलट देंगे। देखिए कितना बिल्कुल लुक ऑमलेट जैसा ही आया है और खाने में इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अभी हम इसे और ज़्यादा चीज़ी बनाएंगे, तो एक बार मैंने इसे फिर से पलट दिया है ताकि प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से एक तरफ से थोड़े से सिक जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़, कोई भी प्रोसेस चीज़ लीजिए और खूब सारा। ख़ास तौर पर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये चीज़ डाल के ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने इतना अच्छा नाश्ता बना के तैयार किया है। ये देखिए, मैंने खूब सारा इसके ऊपर चीज़ डाल दी है। चीज़ को हम अच्छे से सिकने देंगे और मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। अभी मैं इसे चेक कर लूँ कि दूसरी तरफ से सिका या नहीं। बस इसको इस तरह हाफ फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बस एक बार ये रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, हमारे बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट और टेस्टी ऑमलेट्स बन के तैयार हैं, वेज ऑमलेट। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हुई नहीं, तो इसलिए मैं नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी नहीं बनाती। पर अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, या आराम से बच्चों को टिफ़िन में भी दिया जा सकता है, उनको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।